नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए दोस्तों आप अपने मोबाइल की रिंगटोन की आवाज को दुगुना कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन। तो दोस्तों, आखिरकार कौन सी ट्रिक है जिसके जरिए हम अपने मोबाइल की रिंगटोन की आवाज को दुगुना कर सकते हैं, चलिए आपको बताता हूं। तो दोस्तों, यह वो एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपने मोबाइल की रिंगटोन की कम आवाज़ को ही नहीं बल्कि अपने मोबाइल के सभी प्रकार की कम आवाज़ से छुटकारा पा सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, यह एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। ओपन होने के बाद दोस्तों, हमें यहाँ से इसे स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार की वार्निंग ओपन होगी, आपको उसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आप यहाँ से अपने स्पीकर को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से 60% तक ही बूस्ट होगा। अगर आप 100% बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम अलाउड बूस्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ से अपने बूस्ट को 100% तक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, हो सकता है 100% बूस्ट में आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी ना आए या फिर आपके कान खराब हो जाए, तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसे 60% तक ही रखें। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सो वॉल्यूम कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वॉल्यूम और बूस्ट दोनों ओपन हो जाएंगे। अब आप यहां से अपनी वॉल्यूम के साथ अपना बूस्ट एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, आप इस नोटिफिकेशन के जरिए अपनी जरूरत के अनुसार डायरेक्ट अपने वॉल्यूम और बूस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और आप इसे एप्लीकेशन के जरिए ओपन करना चाहते हैं और इस नोटिफिकेशन को रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको इस नोटिफिकेशन पर लॉन्ग प्रेस करके इस नोटिफिकेशन परमिशन को ऑफ करके डन कर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। देखा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, देर किस बात की, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन।